हाय, वेलकम टू कोड फाइंड, वेलकम टू दिस न्यू वीडियो ऑन द एटीएम सिमुलेटर सिस्टम जावा प्रोजेक्ट सीरीज। अब तक हम काफी कुछ कर चुके हैं, ठीक है। इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं अपनी डिपॉजिट क्लास, जहां पर हम अपने कुछ अमाउंट को डिपॉजिट करेंगे इनटू द डेटाबेस, मतलब हम अपने अकाउंट में पैसे को डिपॉजिट करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, लाल बटन दबा देना। बट अगर ये बटन लाल नहीं है, सफेद है, तो दोबारा मत दबाना, ठीक है, कभी अनसब्सक्राइब हो जाए, ठीक है। ये आप कर सकते हो, आपकी मर्जी है, ठीक है। ऑल पे आप क्लिक कर सकते हो। अगर आपको पूरी प्लेलिस्ट का लिंक चाहिए, ठीक है, तो आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप इसको उठा सकते हो, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। अब ये लाल बटन जरूर दबाना है, ठीक है, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है प्रोजेक्ट बनाने में, ठीक है। तो वापस आते हैं यहाँ पर। अगर आप देखो तो हम अब तक इतना कुछ कर चुके हैं। लास्ट वीडियो में हमने यहाँ पे ट्रांजेक्शन वाला फ्रेम बनाया था, ठीक है, जहाँ पर उससे पहले हम लॉग इन कर चुके हैं, उससे पहले हम साइन अप बना चुके हैं, हम काफी कुछ यहाँ पे बना चुके हैं, ठीक है। हमने यहाँ पे अब तक एक डाला था एग्जिट वाला। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं डिपॉजिट, ठीक है। डिपॉजिट हम यहाँ पे इस वीडियो में देखने वाले हैं। और अगर मैं यहाँ पे एग्जिट पे क्लिक कर दूँ तो यहाँ पे सिंपल हम डिपॉजिट देखेंगे या कैश विड्रॉल भी देख सकते हैं। चलो दोनों देख लेंगे, डिपॉजिट भी देख लेंगे, कैश विड्रॉल भी देख लेंगे। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले तो यहाँ पे आपको एक क्लास बनानी है डिपॉजिट के नाम से, ठीक है। जावा फाइल मैंने यहाँ पे बनाई और यहाँ पे मैंने लिखा मैंने साफ डिपॉजिट। अब यहाँ पे डिपॉजिट वाला हमें फ्रेम बनाना है जो बहुत सिमिलर होगा ट्रांजेक्शन फ्रेम के। अगर मैं आपको यहाँ पे यकीन दिलाऊँ तो जो डिपॉजिट फ्रेम है वो काफी काफी ज्यादा यहाँ पे सिमिलर होने वाला है जो हमारा ट्रांजेक्शन फ्रेम था उससे। बट उससे पहले मैं यहाँ से कुछ चीजों को हटा देना चाहता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मेरे को एक्सटेंड करना है जे फ्रेम को, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में भी किया था, हर वीडियो में हम कर रहे हैं, ठीक है। और आपको इसको इम्पोर्ट करना है जावा एक्स डॉट स्विंग डॉट स्टार में से, परफेक्ट है। और यहाँ पे मैं आपको न्यू डिपॉजिट का ये करके ये बनाना है, बहुत बढ़िया, ठीक है। और यहाँ पे आपको लिखना है डिपॉजिट, अरे डिपॉजिट, परफेक्ट। तो आई थिंक ये आपको शायद क्लियर हुआ होगा यहाँ पे कि हम क्या क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको सबसे पहले तो फ्रेम बनाना है। फ्रेम का साइज हमने वही रखा हुआ है 900 900, ठीक है। और फ्रेम की लोकेशन हमने वही रखी हुई है 300 0, ठीक है, परफेक्ट है। फिर आपको यहाँ पे लिखना है सेट विजिबल और ट्रू, परफेक्ट। तो अगर मैं आपको यहाँ पे इसको चला के दिखाऊँ तो बिल्कुल परफेक्ट यहाँ पे फ्रेम आना चाहिए, बिल्कुल परफेक्ट यहाँ पे फ्रेम आया। मेरे को यहाँ पे एक इमेज लगानी है, ठीक है। हमने ये इमेज लास्ट वीडियो में भी लगाई थी, तो मैंने यहाँ पे लिखा इमेज आइकन आई वन इज इक्वल्स टू न्यू इमेज आइकन, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा क्लास पाथ डॉट गेट सिस्टम रिसोर्स। एक सेकेंड दे दो बस, मेरे को एक चीज क्लास पाथ नहीं है, मैं वही सोच रहा था। यहाँ पे आ जाएगा गेट सिस्टम रिसोर्स, कहाँ से आएगा, आइकन्स के अंदर से आएगा। और आपकी जो इमेज का नाम है वो है एटीएम डॉट जेपीजी, ठीक है। इमेज काफी बड़ी है, इसको मेरे को चेंज करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे इमेज क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया और गेट इमेज डॉट गेट स्केल इंस्टांस, ठीक है। 900 900 मेरे को इसकी यहाँ पे वो चाहिए इमेज हाइट और विथ। और आप यहाँ पे सिंपल डाल सकते हो इमेज डॉट स्केल अंडरस्कोर डिफॉल्ट। इमेज क्लास एरर देगी क्योंकि ये होती है हमारी AWT पैकेज के अंदर, तो आपको यहाँ पे इसको इम्पोर्ट कराना पड़ेगा। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ जावा डॉट AWT एंड डॉट स्टार, बिल्कुल परफेक्ट है। लेकिन इमेज क्लास को आप डायरेक्टली प्लेस नहीं कर सकते फ्रेम के ऊपर, तो मेरे को यहाँ पे वापस इमेज आइकन में इसको यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे लिखा वह इमेज आइकन, उसके अंदर मैंने यहाँ पे डाला I2। अब मेरे को यहाँ पे जे लेबल एक बनाना पड़ेगा, जे लेबल इमेज इक्वल्स टू न्यू जे लेबल, और इसके अंदर हम डाल सकते हैं यहाँ पे I3 को। इसको सेट बाउंस करना पड़ेगा। सेट बाउंस करने से पहले आपको यहाँ पे सेट लेआउट को नल करना पड़ेगा, वरना सेट बाउंस आपका यहाँ पे नहीं चलेगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे सेट बाउंस को नल करना पड़ेगा, उसके बाद आप यहाँ पे इमेज के साथ सेट बाउंस का यूज कर सकते हो, ठीक है। सेट बाउंस 0 0 में यहाँ पे डाल रहा हूँ, और 900 900 जो इमेज का साइज और विथ है मैं यहाँ पे वो डाल रहा हूँ। उसके बाद आप यहाँ पे डायरेक्टली इमेज को फ्रेम के ऊपर ऐड कर सकते हो। एंड अगर आप यहाँ पे चला के देखोगे तो आपको फ्रेम के ऊपर इमेज भी दिखेगी, बिल्कुल परफेक्ट, ठीक है। तो आई थिंक यहाँ तक तो कोई इशू नहीं होना चाहिए। इसके बाद अब मेरे को यहाँ पे जे लेबल बनाना है। जे लेबल पे ये लिखा होगा एंटर अमाउंट यू वॉन्ट टू डिपॉजिट, कितना अमाउंट आप चाहते हो कि आप डिपॉजिट करना चाहते हो। तो यहाँ पे मैंने टेक्स्ट लिख के एक मैं यहाँ पे जे लेबल लिख रहा हूँ सिंपल, और एंटर द अमाउंट यू गाइज वॉन्ट टू डिपॉजिट, वॉन्ट टू गाइज मत लिख दे रहा मतलब थोड़ा प्रोफेशनल रखना, ये नहीं कुछ भी चल रहा है अब वहां पे ब्लैक ब्लैक कलर में है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं व्हाइट कलर कर रहा हूँ इसको, वरना वो दिखेगा नहीं, टेक्स वहां पे दिखेगा नहीं, ठीक है। ये टेक्स का जो डिफॉल्ट साइज होता है ना, वो काफी छोटा होता है। एग्जैक्टली तो मेरे को पता नहीं कितना होता है, लेकिन शायद 12 14 कलर लगभग कुछ कुछ होता है। तो इसको मैं 16 कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे सेट फॉन्ट में आपको यहाँ पे न्यू फॉन्ट क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। सिस्टम ले लेते हैं, लास्ट वीडियो में भी हमने सिस्टम ही लिया था, इसको ले लेते हैं यहाँ पे फॉन्ट डॉट बोल्ड, ठीक है। और यहाँ पे मैं ले रहा हूँ इसको 16, करेक्ट है, कोई इशू आई थिंक नहीं होना चाहिए। इसके बाद मेरे को यहाँ पे सेट बाउंस करना
करना पड़ेगा इसको। सेट बाउंस किया मैंने यहाँ पे, और ये लेते हैं हम 170 से 170 300। 300 ज्यादा तो नहीं हो जाएगा? देख लेंगे। और फिर आपको यहाँ पे इसको इमेज के ऊपर ऐड करना है, जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में ये चीज सिखाई भी थी, ठीक है। तो अभी अगर मैं आपको यहाँ पे चला के दिखाऊँ तो बिल्कुल परफेक्ट चलना चाहिए, एक टेक्स्ट आना चाहिए इमेज के ऊपर, या सही है ये तो बिल्कुल, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे को एक काम और करना है, एक काम यहाँ पे मेरे को और करना है, मेरे को यहाँ पे एक टैक्स फील बनानी है, क्योंकि कितना अमाउंट आपको जमा करना है, कितना अमाउंट आपको डिपॉजिट करना है, वो अमाउंट आपको भरना भी तो है। अब डायरेक्ट इमेज के ऊपर तो यहाँ पे लिखा नहीं जाता, तो एक टैक्स फील मेरे को वैल्यू को लेना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे टैक्स फील बना रहा हूँ, मैंने यहाँ पे लिखा जे टैक्स फील्ड, और टैक्स फील्ड इज इक्वल्स टू न्यू जे टैक्स फील्ड, ये इसको अमाउंट ले लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा टैक्स फील्ड अच्छा नहीं लगेगा, तो यहाँ पे इसको अमाउंट लिया, बिल्कुल सही है, ठीक है। एक इसका साइज जो है वो थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, तो यहाँ पे सेट फॉन्ट ले रहा हूँ मैं, और यहाँ पे मैं ले रहा हूँ न्यू फॉन्ट, ठीक है। रेलवे यहाँ पे इस बार में फॉन्ट ले रहा हूँ, रेलवे बहुत अच्छा फॉन्ट है, मेरे को बहुत पसंद है, ठीक है। तो यहाँ पे फॉन्ट डॉट बोल्ड लिया मैंने, और इसको ले लेते हैं 16 16 22 ले लेते हैं, ठीक है। और फिर अमाउंट डॉट सेट बाउंस, कहाँ पर आपको चाहिए? मेरे को ये टेक्स्ट के बिल्कुल नीचे चाहिए। टेक्स्ट है आपका 300 और 200 320, कितना हो गया? ये हो गया आपका 320, ठीक है। तो इसको ले लेते हैं 350, लेकिन स्टार्टिंग 170 सी होगी, और यहाँ पे लिया मैंने 350। कहाँ तक जाएगा? 320 तक लेके चलते हैं इसको, और 20, परफेक्ट। और यहाँ पे आ जाएगा आपका इमेज डॉट एड, परफेक्ट है ये तो। इसके बाद मेरे को दो बटन्स लगाने हैं, उसके बाद अपना यहाँ पे काम खत्म हो जाएगा इस वाली क्लास का। तो ये तो बिल्कुल ठीक चल रहा है, लेकिन टेक्स्ट फील्ड का जो हाइट है वो काफी छोटी है, तो यहाँ पे 25 कर रहा हूँ मैं इसको, 20 से हटा के मैंने इसको यहाँ पे 25 किया, ताकि टेक्स्ट फील्ड थोड़ी सी बड़ी हो जाए कुछ ऐसे, ठीक है। या अब मेरे को यहाँ पे बटन बनाने हैं, दो बटन अभी यहाँ पे मेरे को बनाने, एक तो डिपॉजिट वाला बटन होगा, तो जे बटन डिपॉजिट, अरे इक्वल्स टू न्यू जे बटन, ब्रो क्या हुआ, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा अपने पास डिपॉजिट, परफेक्ट है, ठीक है। डिपॉजिट आ गए यहाँ पे अपने पास, तो यहाँ पे इसको सीधा सेट बाउंस करते हैं, ठीक है। इसको मेरे को राइट हैंड साइड सेकंड लास्ट रो में दिखाना है, राइट हैंड साइड सेकंड लास्ट रो, तो उसके लिए यहाँ पे 355 डाला मैंने, 355 और 485, और यहाँ पे आ जाएगा अपने पास 150 और 30, ठीक है। इमेज के ऊपर इसको ऐड करना है, इमेज डॉट ऐड, काश सही जगह है, ठीक है। और इमेज डॉट एड, और मैंने यहाँ पे डिपॉजिट पे डाला इसको, तो ये हाँ बिल्कुल करेक्ट आया, ठीक है। इसके नीचे हमें को एक और बटन चाहिए, जो कि बैक वाला बटन होगा, तो इसको कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे डाला मैंने बैक, कॉपी करते हैं, पेस्ट पेस्ट, यहाँ पे आ जाएगा बैक, ठीक है। ये तो 355 ही रहेगा, मेरे को 485 में यहाँ पे चेंज करना है, इसको मैं चेंज करके कर रहा हूँ, अरे इसमें चेंज करके कर रहा हूँ 520, करेक्ट। चला के देखते हैं, परफेक्ट चलना चाहिए, और हाँ परफेक्ट चल रहा है, बढ़िया। अब मेरे को यहाँ पे एक्शन लिसनर बनाना है, मेरे को अब इन दोनों बटन पे एक लिसनर चाहिए, ठीक है। तो इंप्लीमेंट्स एक्शन लिसनर मेरे को यहाँ पे करना पड़ेगा, मैंने यहाँ पे लिखा सपोज इंप्लीमेंट्स और एक्शन एंड LIS, अरे LIS ही है ना, परफेक्ट, ठीक है। और यहाँ पे मैंने लिखा सपोज इम्पोर्ट और जावा डॉट ए डब्ल्यू टी डॉट इवेंट डॉट स्टार, परफेक्ट है, ठीक है। एक फंक्शन मेरे को यहाँ पे बनाना पड़ेगा, और वो फंक्शन होगा पब्लिक वॉइड एक्शन परफॉर्म्ड, बढ़िया। और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास एक्शन इवेंट AE, कौन सा बटन आपको आपका क्लिक हुआ है, डॉट गेट सोर्स, अगर आपका यहाँ पे बटन क्लिक हुआ है सपोज डिपॉजिट, ठीक है। else if, अगर यहाँ पे आपका बटन क्लिक हुआ है सपोज एग्जिट, अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम यहाँ पर अब ये है कि डिपॉजिट और एग्जिट बटन्स क्या है उसको पता ही नहीं है, क्योंकि डिपॉजिट और एग्जिट बटन्स यहाँ पे लोकली डिक्लेयर्ड है, तो आपको इनको यहाँ पे ग्लोबली डिक्लेयर करना पड़ेगा। एक टेक्स्ट फील्ड है मेरे पास अमाउंट के नाम से, उसके अंदर से मेरे को अमाउंट निकालना है, तो उसको भी मेरे को यहाँ पे ग्लोबली डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे लिखा जे टेक्स्ट फील्ड अमाउंट और जे बटन, ठीक है। दो बटन से अपने पास यहाँ पे डिपॉजिट के नाम से, एक है यहाँ पे डिपॉजिट के नाम से, दूसरा है यहाँ पे एग्जिट के नाम से, परफेक्ट, ठीक है। तो इनकी लोकल डिक्लेरेशन यहाँ से मेरे को हटानी पड़ेगी, ये मैंने यहाँ से हटाया, एग्जिट के नाम से नहीं, बैक के नाम से, तो एग्जिट को हटा के मेरे को यहाँ पे बैक करना पड़ेगा, परफेक्ट है, ठीक है। आई होप क्लियर हो रहा होगा, मैं बहुत तेज तेज बोल रहा हूँ, लेकिन ठीक है, क्लियर हो रहा होगा शायद। और यहाँ पे एग्जिट नहीं है, यहाँ पे बैक आएगा, परफेक्ट है,
ठीक है, तो करेक्ट है ये तो, बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज है, यहाँ पे एक चीज है कि ट्रांजेक्शन में अगर आप देखो तो यहाँ पे मैंने पिन नंबर डाला था, ठीक है। अब एक पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन करने के लिए मेरे को यहाँ पे पिन नंबर चाहिए होगा कि कौन से बंदे का वो ट्रांजेक्शन हो रही है, उसका एक बंदे का पिन नंबर होगा, उस पिन नंबर की हेल्प से मैं वहां पे ट्रांजेक्शन करना चाहता हूँ। क्योंकि जब भी आप डिपॉजिट करते हो या जब भी आप विड्रॉल करते हो तो वहां पे वो पिन नंबर मांगता है, डिपॉजिट करते हुए तो नहीं मांगता, डिपॉजिट करते हुए तो अकाउंट नंबर मांगता है, बट जब भी आप वहां से विड्रॉ करते हो ना तो वो एक पिन नंबर मांगता है। तो मैं यहाँ पे डिपॉजिट करते हुए भी पिन नंबर डालूंगा, अगर पिन नंबर मैच होता है तभी वो डिपॉजिट कर पाएगा। और पिन नंबर मैं ऑलरेडी टेस्ट कर चुका हूँ, उसका लॉगिन फ्रेम में मैं पिन नंबर वहां पे ऑलरेडी डलवा चुका हूँ, और जो वेरीफाई होएगा तो ही वो वहां पे डिपॉजिट पे आएगा। तो मेरे पास यहाँ पे पिन नंबर है ट्रांजेक्शन के अंदर, तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, जो यहाँ पे डिपॉजिट के नाम से मेरे पास यहाँ पे जो बटन है LSF A.GetSource, ठीक है, अगर वो यहाँ पे डिपॉजिट के इक्वल है, डिपॉजिट बटन पे अगर यहाँ पे क्लिक हुआ है तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, सेट विजिबल फॉल्स कर रहा हूँ ताकि जो करंट फ्रेम है वो यहाँ पे फॉल्स हो जाए और जो नया फ्रेम है डिपॉजिट वाला वो यहाँ पे खुल जाए। मैंने यहाँ पे लिखा सेट और विजिबल और यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास ट्रू। अब जो पिन नंबर है ना वो मैं यहाँ पे भेजना चाहता हूँ इसके अंदर, ठीक है, ताकि एक ही जगह से, मतलब एक ही जगह से मैं हर जगह वहां पे पिन नंबर डाल सकूं, ठीक है। अब यहां से मैंने पिन नंबर भेजा तो सबसे पहले तो मेरे को यहाँ पे एम्प्टी स्ट्रिंग डालनी पड़ेगी डिपॉजिट के अंदर, मैंने यहाँ पे एम्प्टी स्ट्रिंग डाली, ठीक है, और इसके कंस्ट्रक्टर में मेरे को यहाँ पे पिन नंबर निकालना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे लिखा स्ट्रिंग और पिन नंबर, ठीक है, एक ग्लोबल वेरिएबल ले ले लेते हैं पिन नंबर, क्योंकि मेरे को इसको वहां पे भी यूज करना है। दिस डॉट पिन नंबर इज इक्वल्स टू पिन नंबर। आई होप ये चीज आपको शायद करेक्ट क्लियर हो रही होगी कि मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, बहुत तेज कर रहा हूँ मैं, आई नो, बट ठीक है यार। STRING, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट, ठीक है, तो या करेक्ट है। अब यहाँ पे बैक बटन पे अगर क्लिक क्लिक होता है, सबसे पहले तो मेरे को यहाँ पे एक्शन लिस्टनर लगाने पड़ेंगे, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ डिपॉजिट डॉट एड एक्शन लिस्टनर और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास दिस, ठीक है, फिर यहाँ पे आ जाएगा बैक डॉट एड एक्शन और लिस्टनर और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास दिस, करेक्ट है, परफेक्ट है। उसके बाद यहाँ पे बैक बटन के क्लिक पे मेरे को यहाँ पे ट्रांजेक्शन क्लास खोलनी है वापस, ठीक है, और वो जो पिन नंबर है वो वापस मेरे को भेजना है, तो सेट विजिबल और ट्रू। इससे पहले मेरे को यहाँ पे सेट विजिबल फॉल्स करना पड़ेगा ताकि करंट फ्रेम है वो यहाँ पे क्लोज हो जाए। एक सेकंड चला के देख लेते हैं चल रहा है कि, आई होप ये चीज आपको शायद क्लियर हो रही होगी कि हम बटन क्लास का वो ऑब्जेक्ट बनाते हैं और ये बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है। डिपॉजिट पे क्लिक करूंगा तो यहाँ आ जाएगा, बैक पे क्लिक करूंगा वापस चला जाएगा, डिपॉजिट पे क्लिक करा यहाँ आ गया, बैक पे क्लिक किया वापस चला गया, तो आई होप क्लियर हुआ होगा, ठीक है। एंड अब मेरे को यहाँ पे पैसों को डिपॉजिट करना है, ठीक है, पैसों को डिपॉजिट करने के लिए मेरे को यहाँ पे कहाँ पे डिपॉजिट करना है उसके लिए एक क्लास भी तो बनानी पड़ेगी, उसके लिए एक टेबल भी तो बनानी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो मेरे को यहाँ पे एक टेबल बनानी है, तो क्योंकि मेरे पास कोई टेबल नहीं है जहाँ पे मैं इसका हिसाब रख सकूँ कि कहाँ पे पैसे डिपॉजिट हो रहे हैं, कितने पैसे विड्रॉ हो रहे हैं, तो यहाँ पे मेरे को एक टेबल यहाँ पे मेरे को एक बनानी पड़ेगी, और यहाँ पे टेबल मैं बनाऊंगा बैंक के नाम से। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ क्रिएट टेबल बैंक और ठीक है, और यहाँ पे सबसे पहले मेरे को यहाँ पे चाहिए होगा पिन, पिन और वैकर और यहाँ पे लेते हैं 10, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मेरे को चाहिए होगी डेट, कौन सी तारीख को ये जमा हुए हैं पैसे, ठीक है, तो डेट मैंने यहाँ पे लिया और वैर केयर और इसको ले रहे हैं 20, ठीक है। फिर मेरे को यहाँ पे चाहिए कि टाइप, टाइप मतलब टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन की वो विड्रॉ है या फिर वो डिपॉजिट है वो क्या है, तो इसका भी मैंने यहाँ पे वैर केयर लिया 20। और फिर मेरे को यहाँ पे चाहिए अमाउंट कि विड्रॉ हुआ है तो कितना अमाउंट है, और अगर वो हुआ है डिपॉजिट हुआ है तो कितना अमाउंट है, तो मैंने यहाँ पे लिखा क्रिएट टेबल बैंक और ये बिल्कुल परफेक्ट है। यहाँ पे चलाया इसको तो रनिंग और जीरो ड्रॉज इफेक्ट है, तो आपकी टेबल यहाँ पे बन के क्रिएट क्रिएट हो चुकी है, परफेक्ट है। वापस आते हैं, तो अब यहाँ पे मेरे को क्या करना है, अगर डिपॉजिट पे अगर क्लिक हुआ है, ठीक है, अगर डिपॉजिट पे अगर क्लिक हुआ है तो मेरे को यहाँ पे अमाउंट चाहिए, ठीक है, अमाउंट निकालने के लिए अमाउंट टैक्स फ्री में से ही अमाउंट निकलेगा, तो यहाँ पर मेरे को स्ट्रिंग डिपॉजिट के नाम से मैंने यहाँ पे ये लिया और डिपॉजिट, अरे नहीं डिपॉजिट के नाम से नहीं मैं ले सकता, किस नाम से लें इसको,
तो यहाँ पे ले लेना सुपर स्ट्रिंग नंबर इज इक्वल्स टू, और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास जो अमाउंट टेक्स्ट फील है उसमें से गेट टेक्स्ट, ठीक है, कितना अमाउंट वहां पे बंदे ने फिल किया है। परफेक्ट है, आई होप ये चीज शायद क्लियर हुई होगी, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर मेरे को डेट भी चाहिए, कितने बजे ये क्लिक फिल हुआ है। तो यहाँ पे न्यू डेट क्लास मैंने यहाँ पे सिंपल एक ऑब्जेक्ट बना दिया, डेट क्लास आती है हमारी यूटिल पैकेज के अंदर से, तो यहाँ पे यूटिल पैकेज में कोई इंपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। इंपोर्ट किया मैंने यहाँ पे जावा डॉट यूटिल डॉट स्टार, क्योंकि अगर मैं आपको यहाँ पे एक चीज दिखाऊँ, मैं आपको यहाँ पे एक चीज दिखाता हूँ, मैं अगर यहाँ पे आपको एक चीज दिखाऊँ, तो मैंने यहाँ पे डेट लिखा है, ठीक है, किस तारीख को पैसे जमा हुए हैं, कितने बजे वो डिपॉजिट हुए हैं या विड्रो हुए हैं, तो उसका डेट में कुछ यहाँ चाहिए यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, डेट क्लास का यहाँ पे मैंने सिंपल ऑब्जेक्ट बना दिया, ठीक है, डेट डेट इज इक्वल्स टू न्यू डेट, और ये बिल्कुल परफेक्ट है। अब यहाँ पे मेरे को चेक करना है, अब यहाँ पे मेरे को ये चेक करना है कि आपका आपने जो नंबर है यहाँ पे नंबर डॉट इक्वल्स, ये एम्प्टी तो नहीं है, मतलब आपने बिना पैसे डाले ही आप उसको डिपॉजिट बटन पे क्लिक कर रहे हो, तो सर ऐसा नहीं चलेगा, आपको यहाँ पे पैसे डालने पड़ेंगे। तो मैं यहाँ पे एक मैसेज दिखाना चाहता हूँ, शो मैसेज डालो कि सर आपने पैसे नहीं डाले, प्लीज पैसे डाल दीजिए। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ प्लीज एंटर द स्ट्रिंग के अंदर लिखना है, प्लीज एंटर द अमाउंट यू वांट टू डिपॉजिट डिपॉजिट, परफेक्ट, प्लीज एंटर द अमाउंट यू वांट टू डिपॉजिट, एल्स अगर ये सपोज यहाँ पैसे हैं, मतलब टैक्स फील में बंदे ने पैसे डालने हैं, तो मेरे को यहाँ पे क्या करना है, कनेक्शन खोलना है डेटाबेस के साथ। कनेक्शन खोलने के लिए हम यहाँ पे कौन क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, जैसे मैं आपको बता भी रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद फिर मेरे को अपडेट करना है, मेरे को यहाँ पे क्वेरी बनानी पड़ेगी, तो मैं यहाँ पे लिखा कॉन्स्ट, कॉन्स्ट नहीं लिख रहा, कॉन्स्ट, मैंने यहाँ पे लिखा सपोज एक स्ट्रिंग क्वेरी, ठीक है, और इंसर्ट इनटू बैंक वैल्यूज, इंसर्ट इनटू बैंक वैल्यूज, परफेक्ट, ठीक है। अब जो वैल्यूज मेरे को यहाँ पे इंसर्ट करनी है, मेरे को यहाँ पे वो डालनी है, ठीक है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे ये डाला मैंने, ये डाला, ये डाला, उसके बाद मैंने यहाँ पे ये डाला, ये किया, ये किया, और यहाँ पे सबसे पहले तो मेरे पास पिन नंबर आ जाएगा, ठीक है, पिन नंबर चाहिए मेरे को यहाँ पे सबसे पहले, उसके बाद ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा, उसके बाद मेरे को यहाँ पे डेट चाहिए, ठीक है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे डेटाबेस में देखो तो मेरे पास सबसे पहले यहाँ पे पिन है, फिर मेरे पास यहाँ पे डेट है, तो मैंने यहाँ पे डेट भी डाली, फिर उसके बाद ये आएगा, फिर उसके बाद यहाँ पे सीधा क्या कर रहा हूँ मैं, डिपॉजिट कर रहा हूँ या विड्रो कर रहा हूँ। अगर आप नेक्स्ट देखो तो यहाँ पे टाइप है, टाइप में यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, डिपॉजिट कर रहा हूँ, विड्रो कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे डिपॉजिट कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपको एक सिंपल एक स्ट्रिंग के अंदर यहाँ पे ये डालना है, उसके बाद ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा, और यहाँ पे नंबर, कितने पैसे आपको यहाँ पे डिपॉजिट करने हैं, परफेक्ट है, ठीक है। उसके बाद एक्चुअल में इसको डिपॉजिट भी करना करना पड़ेगा, उसके लिए आपको यहाँ पे एक डीएमएल कमांड चलानी होती है, जो कि है कॉन डॉट एस डॉट एग्जीक्यूट अपडेट, ठीक है, और यहाँ पे आपने डाल दी क्वेरी, परफेक्ट है। अगर ये सक्सेसफुल होता है, अगर ये आपका सक्सेसफुल होता है, तो आपको यहाँ पे एक जी ऑप्शन पेन दिखाना है, जी ऑप्शन पेन डॉट शो मैसेज डायलॉग, और यहाँ पे आपने डाला नल, और यहाँ पे आपने डाला ठीक है रुपीज, और ये अमाउंट, अमाउंट नहीं नंबर, प्लस डिपॉजिटेड सक्सेसफुली, ठीक है। एक सेकेंड टेस्ट कर लेते हैं, बस एक मिनट देते हैं तुम्हें को, क्या हुआ ये, इसको क्या हुआ, कैनॉट बी कॉट मस्ट बी थ्रोन, ओ सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पे मेरे को ट्राइवर कैश के अंदर डालना पड़ेगा इसको, ठीक है, माय बैड। तो ट्राइवर एक्सेप्शनल हैंडलिंग बहुत जरूरी है, अगर आप नहीं करोगे तो वो बता देगा आपको कि भाई इसके बिना नहीं चलने दूंगा मैं कोड को। साथ में प्रिंट भी करा लेते हैं अगर कोई एरर सपोज आता है तो। तो यहाँ पे लिखा सपोज प्रिंट एलन, और यहाँ पे ई लिखा, करेक्ट है, ठीक है। तो रुपीज दिस 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 डिपॉजिटेड सक्सेसफुली, उसके बाद में कोई फ्रेम को यहाँ पे क्लोज करना है, सेट विजिबल, मैंने यहाँ पे फॉल्स किया, उसके बाद मेरे को यहाँ पे न्यू ट्रांजेक्शन वाला जो फ्रेम है अपना वो खोल देना है। तो न्यू ट्रांजेक्शन के अंदर मेरे को डालना है यहाँ पे पिन नंबर डॉट सेट विजिबल, और यहाँ पे आ जाएगा ट्रू, परफेक्ट है। तो यहाँ पे इसको चलाते हैं सीधे लॉगिन से, क्योंकि मेरे को पिन नंबर चाहिए, पिन नंबर सीधा पीछे से आएगा, तो मेरे को यहाँ पे इसको लॉगिन से चलाना पड़ेगा। लॉगिन में से मेरे को यहाँ पे कार्ड नंबर और पिन नंबर निकालने पड़ेंगे। तो यहाँ पे ये खोला मैंने, यहाँ पे इसको यहाँ से पेस्ट किया, और दूसरा है मेरे पास 7654, 7654, ठीक है, साइन इन किया मैंने यहाँ पे,
एंड साइन इन हुआ, डिपॉजिट करते हैं, डिपॉजिट पे आए, यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ सपोज कितने हो गए 10,000, ठीक है, डिपॉजिट पे क्लिक किया, एरर आ गया, डेट टू लॉन्ग फॉर कॉलम डेट एट रो वन, डेट टू लॉन्ग फॉर कॉलम रो एट, अरे भाई ऐसा क्या, कितनी बड़ी रो, ऐसा कितनी बड़ी डेट बना दी इसने यार, ये नहीं करना चाहिए था यार, ये तो गलत किया इसने यार। ठीक है, इसको चेक करने के लिए आपको यहाँ पे एक काम करना पड़ेगा कि आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा ड्रॉप टेबल लॉगिन, ये क्वेरी आपको यहाँ पे चलानी पड़ेगी, ड्रॉप टेबल लॉगिन, ठीक है, और ये क्या करेगा, यहाँ पे टेबल को इसने ड्रॉप कर दिया, उसके बाद आपको यहाँ पे, अरे लॉगिन टेबल ने ड्रॉप करनी थी, अरे भाई क्या कर दिया मैंने कोई बात नहीं, यहाँ पे सबसे पहले तो लॉगिन टेबल बनाते हैं ठीक है, लॉगिन टेबल मैंने फिर से बनाई, लॉगिन टेबल ने ड्रॉप करनी, बैंक टेबल ड्रॉप करनी है, अरे यार ठीक है चलो कोई बात नहीं बैंक टेबल यहाँ पे ड्रॉप हुई, और आपको बैंक टेबल फिर से बनानी है, लेकिन इस बार यहाँ पे 20 की जगह आपको 50 लेना है, ठीक है, तो ये अपडेटेड, ये जो अपडेटेड क्वेरीज हैं ये आपको मिल जाएंगी, डिस्क्रिप्शन में वहां पर आपको गूगल ड्राइव का लिंक मिलेगा, उसके अंदर से आप ये सारी अपडेटेड क्वेरीज उठा सकते हो, ठीक है, तो करेक्ट है, अब मेरे को लॉगिन टेबल मैंने गलती से वहां पे ड्रॉप कर दी थी, अब मेरे को यहाँ पे एक एक यूजर बनाना पड़ेगा, यूजर को यहाँ पे साइन अप करना पड़ेगा, ठीक है, तो यहाँ पे साइन अप मैंने क्लिक किया, एंड यहाँ पे नेम चाहिए मेरे को, नेम चाहिए मेरे को यहाँ पे पंकज सीनियर, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ कुछ भी डाल रहा हूँ मैं, 15th डाला मैंने यहाँ पे, मेल pankaj@gmail.com, मैरिड है, और ये साउथ सिटी पोर्टल दिल्ली स्टेट है, दिल्ली 2, 3, 4, 5, 6 करेक्ट है, नेक्स्ट पे चलते हैं सर, नेक्स्ट पे गए, ये सब कुछ मैं ऐसे ही छोड़ छोड़ रहा हूँ, पैन नंबर डाल रहा हूँ, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, सीनियर सिटीजन हम नहीं हैं, एग्जिस्टिंग अकाउंट भी नहीं है, परफेक्ट, ठीक है, यहाँ पे मैं खोल रहा हूँ अपना सेविंग अकाउंट, एटीएम चाहिए, ई स्टेटमेंट चाहिए, इसको चेक करते हैं, सबमिट करते हैं, कार्ड नंबर आ गया और ये आ गया, पिन आ गया, ठीक है, और इसके बाद भी मेरे को एक डिपॉजिट खोलना है, वो अभी देख लेंगे, परफेक्ट, तो इसको अभी के लिए यहाँ पे क्लोज करते हैं, ठीक है, अभी कुछ गड़बड़ है वहाँ पे, मैं देख पे, मेरे को पता है, इसको अभी देख लेते हैं, क्या करना था मेरे को यहाँ पे, हाँ यहाँ पे जाना था, सिलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम लॉगिन करना था, तो मैंने यहाँ पे किया सिलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम लॉगिन, इस पे किया यहाँ पे क्लिक, ठीक है, यहाँ पर वापस आए, लॉगिन को मेरे को फिर से खोलना है, लॉगिन को मैंने यहाँ पे फिर से खोला, ठीक है, कार्ड नंबर डाला और वापस आते हैं यहाँ पे 6199, इसको खोला और यहाँ पे डाला मैंने 6199, साइन इन किया, तो इस बार करेक्ट चलना चाहिए, डिपॉजिट करते हैं, और यहाँ पे मैंने डाला 10,000, यहाँ पे मैंने अमाउंट डाला, डिपॉजिट किया, ₹10,000 डिपॉजिटेड सक्सेसफुली, बिल्कुल परफेक्ट, ओके करते यहाँ पे ये क्लोज हो जाएगा और ट्रांजेक्शन खुल जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट, ठीक है, अगर आपको मैं इसको चला के दिखाऊँ तो आपको इसको देखने के लिए यहाँ पे आना है और यहाँ पे आपको लिखना है सिलेक्ट स्टार फ्रॉम लॉगिन, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम बैंक, लॉगिन नहीं लिखना, बैंक लिखना है, तो यहाँ पे मैंने लिखा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम बैंक, अगर मैं आपको यहाँ पे इसको चला के दिखाऊँ तो यहाँ पे आप देखो इतने बजे संडे अप्रैल 13 और 2:17 पे यहाँ पे ने इस पिन नंबर पे इतने ₹10,000 डिपॉजिट किए हैं, परफेक्ट चल रहा है, अब यहाँ पे मेरे को एक काम और करना है, ठीक है, अब यहाँ पे मेरे को एक काम और करना है कि जो साइन अप 3 है, साइन अप 3 में जैसे ही आप यहाँ पे बटन पे क्लिक करते हो, आपने यहाँ पे सबमिट बटन पे जैसे ही यहाँ पे आपने क्लिक किया, तो ये जैसे ही यहाँ पर आएगा ना वैसे ही आपको यहाँ पे क्या करना है कि डिपॉजिट वाला जो आपका वो है उसको खोल देना है, तो यहाँ पे मेरे को लिखना है सेट विजिबल और फॉल्स, ठीक है, और न्यू डिपॉजिट मैंने यहाँ पर खोला और यहाँ पे मेरे को पिन नंबर चाहिए, पिन नंबर यहाँ पे किस नाम से है, पिन नंबर यहाँ पे शायद पिन नंबर के नाम से ही है, हाँ तो मेरे को यहाँ पे पिन नंबर चाहिए, ठीक है, और डॉट सेट विजिबल फॉल्स, अब मैं यहाँ पे ये बता रहा हूँ कि जैसे ही आपने यहाँ पे अकाउंट खोला तो आपको कुछ पैसे डिपॉजिट करने हैं, आप ₹0 से अकाउंट नहीं खोल सकते, तो यहाँ पे कुछ पैसे मेरे को डिपॉजिट करने पड़ेंगे, दूसरा अगर बंदे ने यहाँ पे कैंसिल किया है, ठीक है, कैंसिल किया अगर बंदे ने यहाँ पे, तो मेरे को यहाँ पे सेट विजिबल को फॉल्स करना है और मेरे को यहाँ पे सीधा लॉग इन क्लास का ऑब्जेक्ट बना देना है, तो मैं यहाँ पे सीधा लॉग इन फ्रेम खोल दूंगा अगर बंदे ने वहाँ पे साइन अप 3 के बाद अगर यहाँ पे कैंसिल पे बटन पे क्लिक किया, ठीक है,
तो आई होप ये चीज आपको क्लियर हुई होगी एंड ये बिल्कुल परफेक्ट चलेगा। इसके बाद अब यहाँ पे मेरे को क्या करना है कि विड्रॉल वाली जो अपनी क्लास है वो बनानी है। तो यहाँ पे एक नई क्लास बनाते हैं, बिल्कुल सिमिलर होगी जैसी हमारी यहाँ पे वो है डिपॉजिट के, बिल्कुल सिमिलर होगी, हद सिमिलर। तो मैं यहाँ पे इसी को ही कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे डिपॉजिट की जगह मेरे को करना है विड्रॉल, ठीक है, क्योंकि बहुत सिमिलर है, हद सिमिलर, ठीक है। आप मैं आपको बता नहीं सकता कितना सिमिलर होने वाला है, ठीक है। बस मेरे को जहां जहां डिपॉजिट लिखा है ना वहां वहां मेरे को विड्रॉ करना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे विड्रॉल हटाते हैं, यहाँ पे विड्रॉ करते हैं बस, ठीक है। तो यहाँ पे ये आ गया, एंटर द अमाउंट यू वॉन्ट टू, डिपॉजिट नहीं आएगा, यू वॉन्ट टू विड्रॉ, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा आपका टैक्स, आ जाएगा अमाउंट, आ जाएगा इसमें डिपॉजिट की जगह आपको यहाँ पे विड्रॉ लिखना है। बहुत बढ़िया, ठीक है। वापस आते हैं, नीचे आते हैं और यहाँ पे ये नहीं है, यहाँ पे विड्रॉ के नाम से बटन है आपका और यहाँ पे ये आ गया, प्लीज एंटर द अमाउंट यू वॉन्ट टू विड्रॉ, ठीक है। फिर यहाँ पे इंसर्ट इनटू बैंक वैल्यूज, इंसर्ट इनटू बैंक वैल्यूज, पिन नंबर, डेट और यहाँ पे आ जाएगा आपका विड्रॉ, विड्रॉल, ठीक है। और रुपीज डिपॉज वो रुपीज दिस 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 विड्रॉ सक्सेसफुली, ठीक है। फिर यहाँ पे ट्रांजेक्शन वाला हम फ्रेम खोल देंगे और ट्रांजेक्शन खुल जाएगा। यहाँ पे एक चीज मेरे को यहाँ पे और करना है, यहाँ पे ये नहीं आएगा, यहाँ पे विड्रॉल आएगा, परफेक्ट। चला के अगर मैं आपको दिखाऊँ तो बिल्कुल परफेक्ट चलेगा, बस इतने से चेंजेस पे और बाकी कुछ नहीं था। एंटर द अमाउंट यू वांट टू विड्रॉ और यहाँ पे विड्रॉल आ जाएगा। यहाँ पे विड्रॉल लिखा हुआ अच्छा नहीं लग रहा, इसको विड्रॉ करते हैं। करेक्ट है, करेक्ट है, ठीक है, परफेक्ट है ये तो। यहाँ पे विड्रॉल आ जाएगा, पिन नंबर और दिस, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट, बिल्कुल परफेक्ट है। इसको ट्रांजेक्शंस में लेके लेके चलते हैं। और यहाँ पे अगर आपका ए डॉट गेट सोर्स, ठीक है, ये आपका अगर इक्वल है विड्रॉ के, ठीक है, आई होप विड्रॉ के नाम से एक नहीं है, विड्रॉल के नाम से, ठीक है ठीक है ठीक है। तो यहाँ पे वापस आते हैं, अगर ये आपका विड्रॉल के इक्वल है सर, अगर सर ये आपके यहाँ पे विड्रॉल के इक्वल है, तो आपको यहाँ पे क्या क्या करना है, सेट विजिबल जो करंट फ्रेम है उसको फॉल्स कर देना है। मैंने यहाँ पे लिखा सेट विजिबल तो यहाँ पे आ जाएगा आपका फॉल्स, ठीक है। और यहाँ पे आपको क्या करना है, न्यू और न्यू क्लास का, यहाँ पे विड्रॉल क्लास का आपको ऑब्जेक्ट बनाना है, इसमें आपको पिन नंबर पास करना है और डॉट सेट विजिबल आपको यहाँ पे ट्रू कर देना है, तो आपके यहाँ पे विड्रॉल वाली क्लास क्लास खुल जाएगी, ठीक है। चला के देखते हैं एंड लॉगिन से मेरे को यहाँ पे इसको चलाना पड़ेगा। इसके लिए मेरे को यहाँ पे एक सेकेंड, इसके लिए मेरे को यहाँ पे ये चाहिए होगा, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम लॉगिन में से मेरे को यहाँ पे कार्ड नंबर और वो सब चाहिए होगा। कार्ड नंबर मैंने यहाँ से कॉपी किया, ठीक है, कार्ड नंबर पेस्ट किया, पिन किया है 6199, 6199, और यहाँ पे मैंने साइन इन किया, साइन इन सक्सेसफुली होगा यहाँ पे। और इसके बाद मेरे को यहाँ पे कैश विड्रॉल पे जाना है, एंटर प्लीज प्लीज एंटर द अमाउंट यू वांट टू विड्रॉ। मैंने 1000 रुपीज, 10,000 रुपीज मैंने जमा किए हुए थे, 1000 रुपीज में यहाँ से विड्रॉ कर रहा हूँ, यहाँ से मैंने विड्रॉ किया ₹10,000 विड्रॉ सक्सेसफुली, परफेक्ट चल रहा है बिल्कुल। तो ये थी हमारे यहाँ पे डिपॉजिट और विड्रॉ क्लास। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना, अगर आप चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करना, ठीक है। अगर आप कहीं भी फंसे हो कमेंट जरूर करना, आप हमें फॉलो कर सकते हैं टेलीग्राम इंस्टाग्राम पे, वहाँ पर आपको सर्च करना है कोर्स इंटरव्यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।